वेरी गुड मॉर्निंग, तो मेरी और माहिर की गुड मॉर्निंग तो एक नंबर हो गए। तो मैंने और माहिर ने दोनों ने शावर ले लिए, जस्ट मुझे अपने हेयर ही ठीक करने। आई के दे बच्चा सबको, वो देखो वो टेडी बियर को देखकर खेलने जाता है। और देखो डुगू भी आ गए, डुगू आई के दे सबको बच्चा। अभी डुगू हम कहाँ जाने वाले हैं बेटा, तुझे पता है? पार्क में या पार्क में या होटल में या मॉल में? मॉल में जाने वाले हैं बेटा। ओके एवरीवन, तो फाइनली अभी हम नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए डुगू के साथ। डुगू डुगू किधर जा रहे हैं बेटा? तो डुगू अपने फ्रेंड के घर पर जा रहा है। एवरीवन, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सचिन के साथ थोड़ा तो अहमदाबाद घूमना ही चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए? सो विदाउट एनी फोटो डू लेट्स गेट सम टू द मेन एक्सप्लोर ऑफ अहमदाबाद। और मेरे ऑल सोशल मीडिया लिंक इन पुट इन दिस डिस्क्रिप्शन, तो फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया, खास करके इंस्टाग्राम पर। तो चलो ना चलते थोड़ी घूमे घूमे करने। मैं आपको दिखाता हूँ, माहिर अभी सो रहा है ना, तो मुझे ड्यूटी मिली थी माहिर का ख्याल रखने को, बिकॉज ऑल थिंग सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ माहिर कैसे सो रहा है। फाइनली अभी एक बजने को आए और अभी हम सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। डुगू हम कहाँ जा रहे हैं एक बार फिर से कह दे सबको, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मॉल में जा रहे हैं। अभी डुगू को कुछ शॉपिंग करनी है तो हम सोचे कि थोड़ी और मॉल में चलाते हैं। हीर कैसी धूप लग रही है तुझको? सिस्टर के घर के बाहर ही एक मेट्रो का स्टेशन लगा है, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार मेट्रो में भी राउंड मार कर आयो, बिकॉज मैंने दिल्ली की मेट्रो देखी है बट अहमदाबाद की मेट्रो मैंने आज तक नहीं देखी है। डुगू तुझे भी मेरे साथ मेट्रो में आना है, तू इससे पहले एक बार मेट्रो में गया है? कब गया था, तुझे कैसा लगा था? दोनों कार आ गई है। फाइनली गोइंग, अभी हम जा रहे हैं। इफ यू आर सी दिस मेट्रो स्टेशन रानी, गेम जोन पर, बिकॉज डुगू को भी गेम देखनी है कि अभी कौन कौन सी गेम ट्रेंड चल रही है। और सच कहूँ ना तो मैंने सोचा था कि मिनीसो करके एक चाइनीज ब्रांड है, उसका क्यूट क्यूट प्रोडक्ट्स होते, तो मैंने सोचा कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं गया था ना तो बिल्कुल कलेक्शन ही नहीं था। आई डोंट लाइक दिस, अब देखते क्या होता है। और डॉक्यूमेंट भी लो, आप भी एनी बार मिनी शो पर गए हो या नहीं गए हो? मैंने सोचा था कि एक शॉर्ट वीडियो में मिनी शो पर बनाऊंगा, बट अभी मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझे कलेक्शन ही अच्छा नहीं लगा। जो मुझे अच्छा लगता है ना वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यू आर सी दिस वन, दिस इज मे बी फर्स्ट टू सेकंड लार्ज, यू फुली ऑफ ऑटोमेटिकली।
मे बी आई डोंट नो कि कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, बट मैंने सोचा मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली आपके साथ मुझे शेयर करना ही चाहिए। माहिर भी छोटी सी कार में बैठा है, मैं आपको देख के मेरे से बताता हूँ। घर सजाओ कोई फूल सजाओ सोई सदा सदा अल्पना दे जो बाबू काफी एंजॉय कर रहे हैं अपनी कार में। उसको भी पहले से ही कार चलाना काफी पसंद है, तो मैं भी उसको भी अच्छा लग रहा है कि मैंने भी कार चला ली। तो अभी तो मैंने अच्छा सा लंच कर लिया है पिज्जा हट पर। अभी जस्ट हम लोग जा रहे हैं स्नोफॉल के लिए, बिकॉज डुगू को स्नोफॉल में जाना है। तो अब देखते हैं, और आई नो कि आपको मेरी बैकग्राउंड इतनी सारी वॉइस में से मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है या नहीं। दुगु पूरे रास्ते में कार के सनरूफ में खड़ा रहा और ऐसी ऐसी एक्शन कर रहा था ना, तो मेरे ब्रदर ने कहा तू पागल तो नहीं है ना। अभी आप आगे आगे देखना दुगु कैसी एक्शन करता है, जो मैंने रिकॉर्ड की है ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी हम मेरे जीजा जी ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलो। आई डोंट नो कि अभी हम कहाँ जा रहे, बट देखते हैं कि कहाँ जाते। एवरीऑन, तो अभी हम जाने वाले हैं अटल ब्रिज पर, जो अभी अहमदाबाद में न्यू ही बनाए, बट इतना ट्रैफिक है ना तो हमने अटल ब्रिज से काफ़ी आगे अपनी कार पार्किंग की है वैसे। और क्राउड की तो क्या ही बात कर रहा हूँ, सब लोग कहते हैं कि वो है वॉक करने का, बट मुझे नहीं लगता उस पर वॉक भी हो पाएगा। देखते हैं, कितने एक्साइटेड हो अटल ब्रिज पर जाने के लिए? बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम? फर्स्ट। सब लोग फर्स्ट ही टाइम है, बट इतना क्राउड है ना कि बात ही मत पूछो। अब देखते क्या होता है, वो इधर फोटो शूट तो चलता ही रहता है। इफ यू आर सी दिस वन, फोटो शूट कैसे होता है वो आपको देखना है तो ऐसे देख सकते हो। और गाइस डू कमेंट बिलो, आपने जो मेरे काफ़ी प्रीवियस के व्लॉग देखे हुए हैं, तो मैं जैसे फर्स्ट व्लॉग मैंने बनाया था ना वैसे मैं अभी व्लॉग छोड़ दिए, मैं अपने डेली लाइफ और मेरा रियल लाइफ में आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं कैसे सब कुछ करता हूँ, घर पर होता हूँ तभी और बाहर होता हूँ तभी। तो आपको वो कैसा लग रहा है डू कमेंट बिलो। मुझे तो पहले से मेरे अच्छे अभी के व्लॉग मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट देखते क्या होता है। और मैं कहता हूँ ना, मुझे नहीं पता अहमदाबाद से मेरा कुछ पहले का कुछ अलग ही नाता है। मुझे अहमदाबाद पहले से ही काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके आपको बैकग्राउंड दिखाऊँ ना तो इस बार दिस वन काफ़ी क्राउड है, और इधर फैमिली का फोटोशूट का कभी एंड ही नहीं होता है। लाइक दिस वन कैसे बचा रहे हैं अपने हस्बैंड को।
हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं या कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, आई डोंट नो, बट ट्रैफिक इतना था ना तो काफ़ी देर लग रही थी। सब लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर चल रहे थे। कोई मुझे लग रहा है कि आज तो लोगों का मेला लगा हुआ है, बिकॉज इतना क्राउड है ना, बाहर ही इतना क्राउड है तो अंदर कितना क्राउड होगा। चलो देख, जैसा सोचा था ना वैसा ही हुआ। आपको मैं क्राउड दिखाता हूँ कितना ज़्यादा क्राउड है। इफ़ यू आर सी दिस, मैंने पूरा झूम करके आपको दिखाए हैं। मुझे थोड़ा सा रिस्क लगा। क्राउड देखो कितना ज्यादा क्राउड, इफ यू आर सी दिस, आई एम वेरी शॉकिंग राइट नाउ। देख सकते हो दिस इज अटल ब्रिज, और मैंने जैसा बाहर से आपको बताया था कि मैं भी काफ़ी क्राउड है तो वो बात सही निकली, काफ़ी क्राउड है। और टिकट तो मिल ही नहीं रही थी, बट मैंने आधे फैमिली मेंबर को एंट्री मिली और आधे फैमिली मेंबर को एंट्री नहीं मिली है, बट देखते क्या होता है। इफ़ यू आर सी दिस वन, रियली कहूँ ना तो मैंने इतना क्राउड तो किसी फन पार्क में भी नहीं देखा होगा। तो आज का दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव गया, तो अभी हम सब बैक टू घर वापस जा रहे हैं। और इतना क्राउड था ना, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था, बट अब मुझको ऐसा लग रहा है कि दूसरी बार फेस्टिवल सीजन में और छुट्टियों में तो आपको ऐसी न्यू कोई प्लेस ओपन हुई है ना तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? तो बहुत ट्रैफिक था तो हमने टिकट नहीं ली, फिर से वापस हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी फिर लेने के लिए। एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ओके सीक्रेट। तो हम 10 to 13 लोग थे, तो हमने टिकट नहीं ली थी, बिना टिकट के अंदर घुस गए थे आधे लोग, और जो टिकट चेकर होता है ना बाद में उसको मालूम पड़ गया था, तो वहाँ से भागे और नीचे आ गए। बिकॉज टिकट हम लेने जाते ना तो इतना लेट हो जाता और टिकट भी नहीं मिलती, बट अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो फाइनली अभी हम घर जा रहे हैं। कल हमको कहाँ जाना है? कल हम जाएंगे अपने घर। तो अभी हम घर जाएंगे, उसके बाद फ्रेश हो जाएगा घर, और मैं भी जाऊंगा, पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। अभी फटाफट कार में बैठे और घर जाते, बिकॉज काफी लेट हो गया है। तो देख के चलना पब्लिक। तो आज का डेज मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव गया था। हम 1 बजे घर से निकले थे और अभी नाइट को 8 to 9 बज रहे और अभी हम घर वापस आए। तो मैंने आकर ही अपना फेस वॉश किया, बिकॉज आज पूरा दिन मेरी फेस पर इतना ज़्यादा डल इकट्ठा हो गया था ना, और आई डोंट नो, मैं जब भी कोई फेस्टिवल आता है या कुछ भी आता है तो मेरी स्किन की तो वाटी लग जाती है। मैंने आजकल इतना जंक फूड खाया है ना, तो आप देखो मेरी स्किन पर कैसे पिंपल आ गए हैं। मुझे पता है कि मैं आजकल काफ़ी जंक फूड खा रहा हूँ ना, इसकी वजह से हो रहा है, और डाइट भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ आजकल, बट अब आगे के दिनों में वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलो नीचे चलते, सब लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम अहमदाबाद को बाइक कहते हुए हम निकल गए थे घर के लिए।
तो आई होप यू आर इन्जॉय दिस वीडियो। जो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यार शेयर भी कर देना, और कॉमेंट करना तो भूलना ही मत। तो टेल देन बाय बाय।